शीट नंबर 44 में शीट नंबर 44 में क्वेश्चन नंबर 1 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 2 में डाउट। यस सर, 1 में डाउट है। फर्स्ट में रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ एरिया गिवन एंड 100 टर्न्स गिवन, बी भी गिवन, व्हाट करंट शुड बी मेड टू पास थ्रू इट इन ऑर्डर टू कीप इक्विलिब्रियम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द फील्ड। तो क्या करें इसमें कह रहे हैं, देखो अगर कोई कॉइल 45 डिग्री पे पड़ा हुआ है तो टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा, पक्की बात है। अगर वो टॉर्क उसे क्लॉकवाइज घुमा रहा है तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क सेम अमाउंट का डालना पड़ेगा ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे। तो आप बस ये देख लो कि इस फर्स्ट पार्ट में टॉर्क की वैल्यू इसमें क्या लग रही है। तो वो क्या कह रहे हैं आपको इस केस में, पहला पार्ट क्या निकालना है, व्हाट करंट शुड बी मेड टू पास इन ऑर्डर टू कीप इक्विलिब्रियम एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द फील्ड। तो मैंने क्या बताया, टॉर्क जहां पर नेट जीरो हो गया, जीरो हो गया, रुक गया, तो वहां पर ही आपको जो है कॉइल यानी कि इक्विलिब्रियम में आ गया, रुक गया। और मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर यही तो होता है कि आपका जो कॉइल पड़ा हुआ है वो घूम गया, घूम के एक पॉइंट पर रुक गया, जब रुका सुई मां घूम के रुक गई, तो डिफॉर्मिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। और वहीं से डेरिवेशन से हम करंट मेजर करते हैं, हमने करंट क्या मेजर किया था, हमने करंट ये मेजर किया था। अब इस क्वेश्चन के अंदर वो आपसे पूछ क्या रहा है, आपको करंट पूछ रहा है, आपको के दे रहा है, तो फॉर्मूला लगाओ किया था करंट का, के अल्फा बाय एन बी ए आंसर। ओके सर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सर इसमें डिग्री में ले सकते हैं एंगल, रेडियन निकालेंगे डिग्री में निकाल सकते हैं। मेरे हिसाब से इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। देखो अब आप पूछेंगे कि जो के है टॉर्शनल कांस्टेंट है, टॉर्शनल कांस्टेंट की वैल्यू मैंने आपको कही थी न्यूटन मीटर पर डिग्री भी होता है और न्यूटन मीटर पर रेडियन भी होता है, तो हम कौन सी यूज करें। आप करने को पर डिग्री कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम सही वाली जाएगी, पर आपको बाय डिफॉल्ट अगर आंसर देना हो तो आप रेडियन में ही कैलकुलेट करें प्लीज। पर आप ये कहेंगे सर पिछली बार क्वेश्चन में दिया हुआ था पर डिग्री, वो जो मर्जी दे, पूछने वाले की मर्जी है, पर जब आपसे पूछा जाएगा के की यूनिट, आप पर रेडियन में ही कैलकुलेट करना, बस स्टैंडर्ड है, ठीक है यहाँ तक। और जब आप टॉर्क के न्यूमेरिकल्स करेंगे ना सब्जेक्टिव एनसीईआरटी में स्पेशली, चाहे फॉर्मूला कॉस का लगे चाहे साइन का लगे, आंसर दोनों में आता है। एनसीईआरटी के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्लीज आप साइन का ही लगाना फॉर्मूला। आप कहेंगे क्यों, देखो जो लूप है और बी के बीच में अगर एंगल गिवन है तो कॉस लगता है, अदरवाइज साइन लगता है, ऐसी बात हुई थी, आप साइन का ही लगा के सॉल्व। आपको जाता क्या, अगर लूप और बी में गिवन है 90 में से माइनस करके आंसर निकाल लेना, अल्फा आ जाएगा, साइन लगा, क्योंकि हर किताब साइन ही यूज करती है, तो टीचर है ना वो भी चेक करने वाला भी साइन के साथ ही उसकी ओरिएंटेशन हुई हुई है, क्योंकि एक्चुअल में फॉर्मूला साइन में ही चलता है। साइन में पता क्यों चलता है, क्योंकि जो टॉर्क है ना वो एक वेक्टर क्वांटिटी है एम क्रॉस बी, तो फाइनल रिजल्ट साइन का ही है, राइट। तो पता लगे टीचर सब्जेक्टिव कॉपी चेक करने लगा, उसको था तो था कि साइन है और आपने लगा दिया कॉस, वो क्या बच्चे को पढ़ना नहीं आता, बच्चे ने कहा आंसर जैसे ही आएगा, पर कहीं ऐसा ना हो कि वो साइन के साथ माइंड में रखे चीज को और कॉस ना गलत कर दे, आप साइन के साथ ही करना सब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव जो मर्जी करो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट, इसमें मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज प्लेस्ड इन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, बी गिवन है, गैल्वेनोमीटर के कॉइल्स गिवन है और एरिया भी गिवन है, टॉर्शनल कांस्टेंट भी गिवन है, ये डिग्री रेशियो माइनस वन है, प्लीज 3 नियम आप माइनस वन करो, तो यहाँ करेक्शन है माइनस 3 की जगह माइनस 1। फाइंड द मैक्सिमम करंट दैट कैन बी मेजर्ड बाय दिस गैल्वेनोमीटर, तो कुछ नहीं करना इसमें, मैक्सिमम करंट तो वैसे ही आएगा, क्यों, टॉर्क मैक्स है, ऐसे केस में क्या होता है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड में मैक्सिमम बी मैक्स मैक्स होता है और कॉइल इज लाइंग इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो टॉर्क भी मैक्स है तो आई भी मैक्स है, तो आई का फॉर्मूला के अल्फा बाय एन भी है, तो क्योंकि अल्फा मैक्स है तो आई भी मैक्स है, क्योंकि टॉर्क मैक्स है, ठीक है यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट, फोर में कॉइल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर गिवन है
एल गिवन है और वाइड भी गिवन है, तो एरिया आ जाएगा 100 टर्न्स है एंड इज सस्पेंडेड रेडियल मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन है, इफ सस्पेंशन फायर हैज टॉर्शनल कॉन्स्टेंट के गिवन है, करंट सेंसिटिविटी निकाल दो, करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या था, एन बी ए बाय के, पुट कर दो एन बी ए बाय के आंसर, ठीक आंसर नहीं आ रहा, अच्छा मेथड यही किया ना, कोई बात देखो आंसर में कुछ है इसमें प्रॉब्लम्स है, आप से मेथड फोकस कर लो क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक्स में है ऐसी। क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में क्या कह रहा है, एक वायर को ट्विस्ट किया 45 डिग्री से व्हेन करंट ऑफ 1 माइक्रो एम्पियर इज पास थ्रू इट, तो आपको डिफ्लेक्शन एल्फा दे दिया उसने, एल्फा दिया और करंट दे दिया, एरिया दिया और नंबर ऑफ टर्न्स दे दिए, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ मैग्नेट ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो बी निकालना है। तो अब एक बात बताओ, और रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, यूनिट से पता लग रहा है न्यूटन मीटर पर डिग्री, एक टॉर्शनल कांस्टेंट, टॉर्शनल कांस्टेंट का दूसरा नाम क्या है, रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, राइट। तो आई का फॉर्मूला लगा लेना, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी निकालना है, तो बी की वैल्यू निकाल लेना, आंसर आ जाएगा। 6 में डाउट, कॉइल ऑफ पिविटेड टाइप गैल्वेनोमीटर, पिविटेड टाइप का मतलब एक वायर को पिविट कर देते हैं और घुमाते हैं, तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर ही है ये, हैज 50 टर्न्स एंड एनक्लोजेस एन एरिया ऑफ 6 मीटर स्क्वायर, एरिया पता है और नंबर ऑफ टर्न्स पता है, द मैग्नेटिक फील्ड इन रीजन इन विच कॉइल स्विंग्स इज गिवन, बी गिवन है एंड इज रेडियल, टॉर्शनल कॉन्स्टेंट या हेयर कॉन्स्टेंट ऑब्वियसली के गिवन है, फाइंड एंगुलर डिफ्लेक्शन फॉर अ करंट गिवन, एल्फा निकालना है, तो करंट का फॉर्मूला हमें पता है के एल्फा बाई एन भी है, तो एल्फा क्रॉस मल्टीप्लाई आंसर आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन में डाउट 7, रेक्टेंगुलर कॉइल का एरिया गिवन है, फील्ड बी गिवन है, करंट गिवन है, 60 डिग्री डिफ्लेक्शन एल्फा भी गिवन है, टॉर्शनल कॉन्स्टेंट भी गिवन है, फाइंड नंबर ऑफ टर्न्स, वही सेम फॉर्मूला, आई का फॉर्मूला के एल्फा बाई एन भी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके अब एन निकाल लेना, फॉर्मूला वही है करंट का। क्वेश्चन इसी में 10 की पावर, मैग्नेटिक फील्ड है 2×10^-2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, टेस्ला ही होता है वो, काफी बार पहले भी यूज किया हमने, वेबर पर मीटर स्क्वायर और टेस्ला एक ही बात है, तो ये आए कहां से, अगला चैप्टर में आएगा, ये अभी नहीं आएगा। 8th में डाउट, गैल्वेनोमीटर नीड्स 25 मिली वोल्ट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 50 डिवीजन, फाइन वोल्टेज सेंसिटिविटी, देखो जो वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है वो क्या होती है, वोल्टेज सेंसिटिविटी है कि कितना डिफ्लेक्शन है और कितनी वोल्टेज है, सिंपल है, डिफ्लेक्शन कितनी है 50 डिवीजन है और वोल्ट कितने हैं 25×10^-3 वोल्ट है, ये वोल्टेज सेंसिटिविटी है, और करंट सेंसिटिविटी भी गिवन है, तो क्या निकालना है, रेजिस्टेंस निकालनी है। अब मुझे पता है कि वोल्टेज सेंसिटिविटी इस करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी ए पार्ट से आ गई, करंट सेंसिटिविटी ऑलरेडी गिवन है वहां से आ जाएगा, करंट सेंसिटिविटी में माइक्रो एम्पियर को आपने एम्पियर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा, ठीक। 8th के बाद क्वेश्चन नंबर 9th, यस सर, इफ करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इंक्रीज बाय 20%, तो पहले करंट सेंसिटिविटी सीएस है, नई करंट सेंसिटिविटी 20% बढ़ गई, ये लो 20% पहले से बढ़ गई, तो नई करंट सेंसिटिविटी 120/100 × पुरानी करंट सेंसिटिविटी है, तो हाउ है ये, हाउ, हाँ, और रेजिस्टेंस पहले आर थी, अब रेजिस्टेंस 1.5 आर है, हाउ विल दी वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर बी अफेक्टेड, तो जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है वो करंट सेंसिटिविटी बाय रेजिस्टेंस आ रहा है, इक्वेशन नंबर 1, नई वोल्टेज सेंसिटिविटी इज नई करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय 1.5 आर, इक्वेशन नंबर 2, दोनों को डिवाइड कर लेना और सी एस डैश की जगह 120/100 × CS डिवाइड करके करंट सेंसिटिविटी का आंसर आ जाएगा, ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें। 10th में,